हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखु मुझे डबल कटोरी ब्लाउज एका थरे काटिबा सिखेबी। देखु कपड़ा को सीधा पट रखे, उल्टा पट रखे, कपड़ा को टू फोल्ड करेंगे। टू फोल्ड कर सारापर आमर मझी पाख रंद पाख, तो आमर सेटा रमर मझी पाख बंद पाख रम पट को खोला पाख रपर पट को। देखु मोर ए लंब जीक अच्छी आपण मानक मुझे देखेबी। मोर लंब अच्छे 14 इंच 1 इंच मिसेक मु 15 इंच मार्क कर मार्क करते आपण मान लंब जीक अच्छी से भाई आपण मैंने 1 इंच मिसेक मार्क कर। तो अल्प छाड़ी मुझे 15 इंच मार्क करदे। आम ए सीधा लाइन टाणीदे। एबे देखंतु आमर कांध जेतिक अछि मोर मु मार्क करके आपण मानको देखै देबी। मोर 5.2 इंच अछि कांध, मु एडी 5.2 इंच नै छी कांध। तापरे मु एबे आर्म होल लेबी 6.2 इंच। 6.2 इंच मोर आर्म होल आपण मानर जेतिक अछि तीर 6 भागरु गोटे भाग रे 0.5 इंच मिसेकि मार्क करेंगे। तापर आमर एवं पाई जाइंट आर्म होल आउ कांध माप पाई जाइंटर एवं देखु आमर छातीर 4 भागर गोटे भाग आमर छातीर माप करवा। देखु मुझे मोर छातीर गोटे भाग में माप कर देसी। तापर मु 1.5 इंच मार्क करी मार्जिन पाए। ता एवं देखु आमर ऊपर पट को जीक अच्छी आमर तलपट को भी से मार्क रहा। आम आर्म होल सेप देवाई मु 1.5 इंच मार्क कर डाउन करल को मु 2.2 इंच। तो ये देखो मु आर्म होल मिडिल पॉइंट काढ़ आर्म होल सेप देदेली। देखु आम अंटा माप ने अंटा आमर जीक अच्छे 4 भागर गोटे भाग में मार्क करवा। 1 इंच प्लेट्स देवा। तापर 1.5 इंच आम मार्जिन देवा। देखु मुझे मार्क करके आपण मानक देखी। तापर मु सीधा लाइन पाई जा फिटिंग लाइन। तापर आमर कटिंग करके आपण मानक देखेबी। तापर मो नेक लाइन मु मार्क करी नेक लाइन मार्क करके आपण मानक देख। देखु ऊपर नेक लाइन हूँ मोर 2 इंच मार्क कर, तल को मु 9.5 इंच मार्क कर। देखु नेक लेंथटा हूँ मोर 9.5 इंच। तापर मु शेप देछि, तो मुझे राउंड शेप देछि। आप जो शेप चाहिए सेप शेप दे पारे। एबे मु प्लेट्स रो मार्क कर दोची। तापर मु 4 इंच मार्क कर देली। ऊपर को 4.5 इंच मार्क कर। एबे देखंतु 1 इंच आमर जो प्लेट्स पाई देथिले सेटा भी मु मार्क करके आपण मानको देखे दिछि। आशा करूछि बुझी पारथे। एबे देखंतु कपड़ा काटिबा। जदि जो मैंने बुझीपना से मैंने मत कमेंट जनइबे मु भल भाव आपण मानक आहरी बुझेबी। जो भाई कटिंग करुच्छे आपण मैंने से भाई कटिंग करूँ। देखिए आपण सिलई ठीक ठाक आसब। यटा आमर मोर खाज घर हुक घर करने को मुझे काटिक रखिदे कपड़ा। एबे देखु आमर डायरेक्ट कटरी पार्ट आम केमी काढ़ देखते कपड़ा को पूरा खोली देबे। तापर उल्टे की पकई देबे। उल्टे पकई देखिए आमर चौड़ा पाख जे अधिका जो पट थी आमर से पटे मार्क करवा। एबे देखु मु मार्जिन आग को मु मो पट को मार्जिन मु 2.5 इंच रखिदे। आम ए सीधा मु लाइन काटिदे। देखु तो आग पट को मु 2.5 इंच मार्क कर दूची। एक्स्ट्रा मार्जिन आम ये रखिंस। तो आमर लंब मु फ्रंट पट को मोर 2 इंच मु रखी। आमर लंब जीक अच्छे फ्रंट पट को 2 इंच रहा। देखु मु 16 इंच मार्क कर दे कि दूर भी। तापर एवं देखु आम डायरेक्ट कटोरी सेप दे कटोरी फ्रंट पार्ट काटिक काढ़ तल को भी से 2.5 इंच मार्क करदे। तो तापर आउ थे सीधा लाइन टाणीदे।
एबे देखंतु आमर कांध माप जेतिके अछि सेतिके मार्क करिवे 5.2 इंच रे आर्म होल माप जेतिके अछि आमर सेतिके मार्क करिवा तापरे आमर छाती माप जेतिके अछि आमे सेतिके मार्क करिवा तापरे 1.5 इंच मार्क करिवा मार्जिन पई तापरे सीधा लाइन टान देबा त फ्रंट पार्ट को आमे 1 इंच रे ऐड करिवा त से देखंतु 1 इंच रे बैक साइड माप 1 इंच रे फ्रंट साइड माप करिवा देखंतु आर्म होल शेप जो भली मुं देली देखंतु सेटा 0.2 इंच रे आमे पछ को मार्क करके आर्म होल शेप दे परिबे नहले डायरेक्ट मु जेमती शेप करले आपन माने शेप से भली शेप करिवे तो आमे देखंतु फ्रंट पार्ट को मु 6.5 इंच रे मार्क करिछि फ्रंट फ्रंट लो फ्रंट रो लेंथ तापरे आमर देखंतु सीधा मु ऊपर को 1 इंच मार्क करके मु कटर रे शेप दउची एबे देखंतु आमर बूस्ट पॉइंट आमर एठी दरकार बूस्ट पॉइंट आमर काही दरकार आमे एठी जेहेतु डायरेक्ट कटरी काढिबा तो बूस्ट पॉइंट आमर जहा अछि 0.2.5 इंच ऐड करके आमे एठी मार्क कर दैछि त एबे देखंतु फ्रंट पट को मु कटरी रो 3.5 इंच रखिछि त एबे देखंतु आमर बैक साइड आमर मार्जिन पट को आमर 6 इंच रहइबो मु 6 इंच रे मार्क कर दैछि 6 इंच आमर सब साइज रो 6 इंच रहइबो तापर आमे सीधा लाइन टाणि देबा आमर जति के आमर एठी अछि देखिबा आमे मार्जिन छाड़ी दे कि तापर मार्क कर देबा तापर आमर जति के अछि कटरी पार्ट को माप करिया पे आमे तीन भाग कर देबा तीन भाग रु मोर एठी हो छि 3 इंच 3 इंच रे मु मार्क करके ऊपर को सीधा लाइन टाण दे छि त आमर साइड पटी आमर मार्क हे जइबो एबे देखंतु त आमर एबे कटरी पई 1 इंच मु आगो को मार्क कर दे छि मो पट को तापर आमे तळ को 2 इंच रे मार्क कर देबी देखंतु मो 2 इंच रे तळ को मार्क कर दे छी तो एबे देखंतु हमर तो कटर रो 5.5 इंच रे मार्क कर दे छी तो कटर शेप देबा पे तापर देखंतु आमे कटर शेप मु केमेंति दउ छी तो एबे देखंतु मु एपोट साइड को जेती गछि आमे 0.5 इंच बढे कि आमे मार्क करिबा 0.5 इंच मैडी बढे नथिले किंतु 0.5 इंच एडी बढे दे छी एबे मार्क करिबा आपण मानकर जदि कटरी जार पप बड़ो थिबो से माने एई साइजटा काटि देबे नाही तो आमे सीधा मार्क मु एडी देखे दिबे आपण मानको एबे देखंतु आर्म होल पाखर आमर 2.5 इंच रे मार्क कर देबा कटर शेप दे देबा देखि पारछन्थि आमर कटर शेप बहुत बढ़िया हे जाई छी एबे सीधा लाइन टाणी के आमे जति के अछि आमर सेटा आमे सीधा लाइन टाणी देबा कटरी पार्ट 2 आमर काटिबा काढिबा पई देखंतु आ मु एडी 4 इंच रे मार्क कर दे छी सीधा डायरेक्ट तापर एपट को भी सही 4 इंच रे मोर सीधा गारम टान दे छी तापर देखंतु हमर मोर एडी अछि 8.5 इंच अछि देखंतु मु मो पट को 0.5 इंच रे मार्क 1 इंच रे मार्क कर छी त एपट साइड को मु 0.5 रे मार्क कर छी एबे देखंतु मु कटरी शेप देबी केमिति मिडिल पॉइंट काढ़ के आमर लाइन टाणि देबा देखिले केमिति आमर कटर शेप दउछि मु एई भली दियंतु आपण आनर कटर टे पूरा फिटिंग आसिबो देखो तळ 0.5 इंच मार्क कर दैछि तापर मिडिल पॉइंट रो क्रॉस लाइन टाणि दैछि तापर वी पटी आपण मानको मु बहुत थार देखै छी त एठी मोर कैमरा पाउनी ऊपर को तो देखंतु मो काटला आळु आपण मानको देखै देबी क वी पटी केमिति मु एठी 4 इंच रे शेप 4.5 इंच रे मार्क करै छी वी पटी शेप फ्रंट पट को तो तळ पट को 3.5 इंच रे साइड पट को मु 3.5 इंच रे मार्क करै छी हमर अंटा लाइन जति के अछि
ସେତିକିରେ ମୁଁ ମାର୍କ କରିକି ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଇଦେବି। ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣମାନେ କାଟିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି ଯାହାର କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ଛୋଟ ଥିବ, ମାନେ ପପ୍ ଯାହାର ଛୋଟ ଥିବ, ଆଉ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମାର୍କ କରିକି ଆପଣମାନେ କଟର୍ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବତେଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆହୁରି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି କଟିଂ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି କଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ କାଟିକି କାଢ଼ିଦେବି, କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ପଛରେ କାଟିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଭି ପଟି ଯେଉଁ ସେପ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ଭି ପଟିଟାକୁ କାଟିକି କାଢ଼ିବି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭି ପଟି ମୁଁ କେଉଁଭଳି କଟିଂ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଭଳି କଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ କାଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏସ୍ ପଟି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ କାଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଂ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏହିଭଳି କଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 1, 2 ଆମର ସାଇଡ଼୍ ପଟି ବହୁତ ଆମର ବଢ଼ିଆ କଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।